भदेरा में सर्पदंश से हुई दिव्यांग बुजुर्ग की मौत। मर्ग कायम कर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर बैराड थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भदेरा में सर्पदंश से एक दिव्यांग बुजुर्ग की मौत हो गई है। आज बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे परिजनों ने बताया कि रात्रि के समय बुजुर्ग पप्पू बाथम अपने घर में बैठे थे, तभी उन्हें किसी जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजन इलाज की जगह अंधविश्वास के चलते झाड़ फूंक में लगे रहे, जिस कारण समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दिव्यांग बुजुर्ग की मौत हो गई। बाद में परिजन बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये कहता हूं, ये कौन लगते हैं आपके? मामा जी का। क्या नाम है इनका? पप्पू बाथम। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बदेरा के। तो कैसे मृत्यु हुई इनकी? आपने खा लिया। कब की बात है ये? रात में 10:30 बजे खा लिया था। 10:30 बजे खा लिया था। तो आपने इसकी सूचना थाने पर कब दी है? सुबह। कब कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी पीएम के लिए लेके जा रहे हैं। पीएम के लिए लेके जा रहे हैं।